हेलो जी, हाय जी, कैसे हैं आप सब? आज मैं डिनर में बनाने जा रही हूँ क्रीमी चिकन, बोनलेस चिकन और आलू गोभी। आलू गोभी को मैंने 2 मिनट तक पानी में बॉईल कर लिया है और जो मैं चीज़ें यूज़ करूँगी वो है 2 हरी मिर्चें जो मैंने बारीक काट ली हैं, जीरा 1 टीस्पून, 1 टीस्पून नमक और थोड़ी सी हल्दी 1/2 टीस्पून। और जो मैं तेल यूज़ करूँगी वो है सरसों का तेल। मैं जितनी सब्जियाँ हैं वो सरसों के तेल में ही बनाना पसंद करती हूँ। अब 2 मिनट बाद मैं पानी को सब्जी से अलग कर लूँगी, छान लूँगी छन्नी से। अब 2 मिनट वेट करके ताकि सारा पानी निकल जाए सब्जी से, तो ही सब्जी बनाऊँगी। लीजिए, अब मैं सरसों का तेल जो अप्रॉक्सीमेट 2 टीस्पून है वो मैंने डाल दिया है और तेल को अच्छे से गरम करूंगी। जब तेल गरम हो जाए तो उसके अंदर मैं जीरा, हरी मिर्च और नमक ये डाल दूंगी। फिर से बता देती हूँ, 2 हरी मिर्चें, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून नमक। जब जीरा मेरा तड़क जाए तो फिर मैं हल्दी डाल देती हूँ, हल्दी 1 टीस्पून के, आधे टीस्पून के करीब। उसके बाद मैं सब्जी डाल देती हूँ और इसको अच्छे से हिला के सब्जी और मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए, तो अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। इस सब्जी को मैं मीडियम आंच पे पका रही हूँ। अब मैंने ढक्कन लगा दिया है, अब मैं चिकन की तैयारी करूँगी। ये जो मेरा चिकन है ये मैंने पहले से ही कुक करके फ्रीज कर रखा है और ये है मेरा मसाला, ये भी मैंने पहले से ही कुक किया हुआ है। इसका मैं आप वीडियो अपलोड करूँगी। लीजिए, ये मेरी गोभी तैयार हो गई। अब मैं उसके ऊपर धनिया बुरक देती हूँ। ये लीजिए, ये मेरा चिकन जो है वो पानी में इसलिए बॉयल हो रहा है क्योंकि मैंने पहले से फ्रीज़र से निकाला नहीं था। तो इसका एक टिप है, जिसके पास माइक्रोवेव नहीं है वो ऐसे करके गर्म कर सकते हैं, 10 मिनट तक उबलते पानी में रख सकते हैं। अब पानी को मैंने अलग से गर्म कर लिया था और चिकन और जो मसाला मैंने बनाया था उसको मिक्स किया हुआ था पहले से ही और उसके अंदर पानी डाल दिया। अब इसको मैं 5 मिनट तक बॉईल करूँगी सो दैट ग्रेवी जो है वो थिक हो जाए। नमक मैंने टेस्ट किया तो थोड़ा मुझे नमक कम लग रहा है, थोड़ा सा नमक मैं और डाल दूंगी क्योंकि मैंने चिकन को जब बनाया था और जब मसाला बनाया था उसमें भी मैंने थोड़ा थोड़ा नमक डाला हुआ था पहले से ही। इस तरह बनाने से मेरी काफ़ी टाइम और बच जाता है। जब मुझे कोई मेहमान आ जाए घर में या फिर कहीं मैं बाहर गई हूँ तो मेरा टाइम बच जाता है और मैं फटाफट से ये डिनर तैयार कर देती हूँ। लीजिए, अब मैं रोटी बना रही हूँ। मेरा जो गैस है वो कॉयल गैस है, जैसे अपने अपने देश में होता है हीटर वैसा है। और जब मैं रोटी फुलाना चाहती हूँ अपने इंडियन स्टाइल से तो कॉयल के ऊपर वो जल जाती है। तो इसके लिए मैंने क्या हुआ है कि एक जो जार का लोहे का रिम है वो मैं जाली के नीचे रख देती हूँ, उससे कॉयल और जो जाली है उसमें डिस्टेंस आ जाता है, तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है और मेरी रोटी अच्छे से फूल जाती है। यूजली हमारा डिनर टाइम 6:30 से 7 बजे तक होता है। मैं ऑलमोस्ट टाइम पे ही हूँ। लीजिए, देखिए मेरी रोटी बन रही है। जितनी सब्जियाँ हैं जैसे आलू गोभी, घिया, आलू बैंगन, ये सबको मैं बटर के साथ काफ़ी पसंद करती हूँ मक्खन से। और यहाँ US में जो मक्खन मिलता है ऑलमोस्ट हमारे गांव के जैसे मक्खन के जैसे ही उसका टेस्ट होता है। लीजिए, अब मैंने रोटियां बना ली हैं आलू गोभी और जो उसका जो टेस्ट है वो बटर के साथ यानी कि मक्खन के साथ बहुत बढ़िया हो जाता है। ये क्रीमी चिकन जो है मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ। जब 5 मिनट बाद मेरी ग्रेवी थिक हो गई उसके ऊपर मैंने 1 टेबल स्पून क्रीम डाल दी थी, हैवी विप क्रीम, और काली मिर्च और थोड़ा सा धनिया। लीजिए, इंस्टेंट क्रीमी बोनलेस चिकन तैयार हो गया। इंजॉय करिए और मुझे कमेंट में बताएं आपको कैसा लगा। थैंक यू।